वेलकम बच्चों, मैं दुलार चंदा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार। जय बच्चों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं, ये चैप्टर टू है, ये क्लास थ्री का हिंदी बुक है। आज हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है सबको प्रणाम है। गोपाल ने सुबह उठते ही देखा कि पिताजी झुक कर धरती को प्रणाम कर रहे हैं, कुछ कहते हुए प्रणाम कर रहे हैं। हे विष्णु पत्नी धरती, मैं तुझे अपने पैरों से छू रहा हूँ, अतः क्षमा कर देना। गोपाल एक लड़का है जो सुबह उठते ही अपने पिताजी को देख रहा है कि उसके पिताजी सुबह उठते ही धरती को छूकर प्रणाम कर रहे हैं और कुछ बोल भी रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हे विष्णु पत्नी धरती, मैं तुम्हें अपने पैरों से छूँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। गोपाल ने भी धरती को प्रणाम किया, फिर पिताजी के साथ ज़मीन पर पैर रखा। गोपाल भी अपने पिताजी को देखकर वैसा ही करता है। दोनों घर के पिछवाड़े वाले बाग में जा पहुँचे, माँ का भजन संगीत सुनाई पड़ने लगा। सुबह गोपाल और उनके पिताजी उठकर पीछे वाले बाग में चले गए और उन्हें सुबह का भजन संगीत सुनाई दे रहा था जो उनकी माँ कर रही थी। आज भी कई सारे घरों में सुबह सुबह भजन संगीत होता है, लेकिन यह अब ज़्यादातर नहीं होने लगा है, होना चाहिए। आपने पहले धरती को प्रणाम किया और तब धरती पर पैर रखा, ऐसा क्यों? गोपाल अपने पिताजी से पूछ रहे हैं कि पिताजी, आपने जो है पहले धरती को प्रणाम किया फिर अपने पैर धरती पर रखे। तो उनके पिताजी समझाते हुए बोलते हैं, हाँ बेटे, धरती पर ही सबका जीवन है, धरती ही सबको धारण करती है, इसलिए हम धरती को भी माँ समझते हैं, मानते हैं, उससे आदर देते हैं। पिताजी ने उत्तर दिया, वो गोपाल को समझाते हुए बोल रहे हैं कि धरती भी एक माँ है, इसीलिए हम उसको पहले प्रणाम करते हैं, उसके बाद अपना पैर उस पर रखते हैं। पर वह तो मिट्टी है, जड़ वस्तु है, उसे आदर क्यों? गोपाल ऐसा बोल रहा है तो उनके पिताजी बतलाते हैं, इस मिट्टी से ही सारे पेड़ पौधे पैदा होते हैं, सारे पशु पक्षी मानव इसी पर जन्म लेते हैं, इसी पर सबके पैर टिकते हैं। वो समझाते हुए बोल रहे हैं कि यह धरती पर ही सारा कुछ होता है, मानव जीवन, पशु पक्षी जानवर सभी इसी पे टिकते हैं, सभी इसी की वजह से जीवित हैं, इसी से अन्न जल पाकर जीते हैं, इसी पर खेलते हैं, इसी पर घर बनाकर रहते हैं। यह धरती सूरज के चारों ओर घूम घूम कर हमें प्रकाश दिलाती है, यह जड़ कैसे है? यह जड़ वस्तु है, फिर भी हमारा मन आदर भाव से भर जाता है, आदर देना हमारा बड़प्पन है। उनके पिताजी बतला रहे हैं कि इसी धरती पे हम लोग, इसी धरती पर हम लोगों को अन्न जल सब कुछ खाना पीना जो है मिलता है, इसमें इसी में हम लोग खेलते हैं, इसमें घर बनाते हैं। यह सूरज के चारों ओर घूम घूम कर हमें प्रकाश दिलाती है, यह जड़ वस्तु, फिर यह जड़ वस्तु कैसे है? अगर जड़ वस्तु भी है, फिर भी इसके प्रति हम लोगों का आदर भाव होना चाहिए, आदर से हम इसको, इसके प्रति हमें आदर भाव रखना चाहिए। तब तो सुबह में उठकर धरती को प्रणाम करना सही है। गोपाल बोलता है कि अगर ऐसा बात है कि सब कुछ धरती से ही मिलता है, तो सुबह में धरती को उठकर हमें प्रणाम करना ही चाहिए, सही चीज़ है। उसके पिताजी बोलते हैं, हाँ गोपाल, पिताजी दादा दादी दोनों बाग में टहल रहे हैं, हमसे पहले उठ गए हैं। गोपाल अपने पापा को बतला रहे हैं, उन्हें प्रणाम करने ही तो आए हैं। उनके पापा बोलते हैं कि उन्हें हम यहाँ प्रणाम करने आए हैं, सुबह में उठकर बड़ों को प्रणाम कर आशीष ले लेनी चाहिए, तभी दिन भर मन खुश रहेगा। उनके पापा बतला रहे हैं कि बड़ों को प्रणाम करने से, उनका आशीष लेने से दिन भर हमारा मन खुश रहता है। यह कहकर पिताजी ने अपने बूढ़े पिताजी तथा माताजी को प्रणाम किया। ऐसा बोलते हुए उनके गोपाल के पिताजी अपने माता पिता को प्रणाम करता है। गोपाल ने भी दादा दादी को प्रणाम कर अपने पिताजी के चरणों को छू लिया। जब गोपाल ने देखा कि उनके पिता, वो अपने पिता माता पिता का चरण छू रहे हैं, तो वो भी अपने पिता का चरण छू लेता है, सबसे आशीर्वाद पाकर गदगद हो जाता है, वो खुश हो जाता है। वह शौच स्नान कर पढ़ने बैठ जाता है। आज उसे पुस्तक में पढ़ने को मिल गया कि हेमचंद्र, हेमू ने, राणा प्रताप ने, शिवाजी ने, गुरु गोविंद सिंह ने अपनी धरती माता, अपनी धरती भारत माता के लिए संघर्ष किया, अपना खून बहाया। गोपाल सुबह के नित्य कर्मों से छुटकर वह पढ़ने बैठ जाता है और उसे पुस्तक में आज पढ़ने के लिए मिल गया हेमचंद्र, राणा प्रताप, शिवाजी,
की कहानियाँ, गुरु गोविंद सिंह की कहानियाँ मिल गया, जो धरती माता के लिए बहुत संघर्ष किए और अपना खून बहाए थे। भोजन का समय हुआ, माँ ने गोपाल को बुलाया, सभी भोजन पर बैठे थे, माँ ने थाली परोस दी। अब जो है थोड़ी देर बाद भोजन का समय हो जाता है और सभी को माँ भोजन परोस कर देती है। सबसे पहले थाली में रखे अन्न भात दाल को प्रणाम किया, फिर खाना शुरू किया। उनके पिताजी, गोपाल के पिताजी जो हैं, पहले जो भी भोजन रखा हुआ था उसको पहले प्रणाम किए, उसके बाद खाना शुरू किए। गोपाल पूछ बैठा, जब वो ऐसा करते हुए देखा तो पूछ बैठा, भात दाल को भी आदत देना है? अन्न ही जीवन देता है, यही तो पहला भगवान है, इसे हम मेहनत से उपजाते हैं, भूख लगने पर इसे खाते हैं, तब यह शरीर जी पाता है, इसीलिए इसे भी आदर देना चाहिए, पिताजी ने समझाया। वो उनको समझाते हुए बोलते हैं कि यह पहला भगवान है, इसी की वजह से हमारा जीवन चलता है, हमारा यह शरीर स्वस्थ रहता है, तो इसीलिए हमें इसे आदर देना चाहिए। अन्न बर्बाद ना हो बेटे, यदि कोई भूखा मिल जाए तो उसे अन्न का दान दो, जिससे उसका जीवन चल सके, यही तो धर्म है, दादाजी ने उनको समझाया। दादाजी ने उनको बताया कि अन्न जो है किसी भी तरह से बर्बाद नहीं होना चाहिए, यदि वो खाना खाने से बच जाए तो उसे किसी को दान दे देना चाहिए, जिससे कि उनका भी जीवन चलता रहे। गोपाल सब बातें समझ रहा था, धर्म का अर्थ भी उसे समझ में आने लगा था। उसने माँ की ओर देखा, माँ मुस्कुराकर उसे दही चीनी देने लगी, वह खुश हो गया। गोपाल इन बातों को सुन रहा था और सुनने के बाद उसे कुछ समझ में भी आ रहा था। उसने माँ की ओर देखा और उसकी माँ जो है उसे दही चीनी देने लगा और वह खुश हो गया। यहाँ पे यह चैप्टर 2 समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें, इसमें इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आइए मैं इसके उत्तर बना के दिखाता हूँ। यह चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। गोपाल ने सुबह उठते ही क्या देखा, क्या सुना? गोपाल ने सुबह उठते ही देखा कि पिताजी झुककर धरती को प्रणाम कर रहे हैं। पिताजी कह रहे हैं, विष्णु पत्नी धरती, मैं तुझे अपने पैरों से छू रहा हूँ, अतः क्षमा कर देना। धरती को प्रणाम क्यों किया जाए? धरती को हम माँ समझते हैं, धरती पर ही सबका जीवन है, इसलिए धरती को प्रणाम करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करने से क्या मिलता है? बड़ों को प्रणाम करने से आशीष मिलता है। अपने देश के 4 वीरों के नाम बताएं। अपने देश के 4 वीर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी इत्यादि। अन्न को क्यों आदर देना चाहिए? अन्न ही जीवन देता है, यह पहला भगवान है, भूख लगने पर इसे खाते हैं, इसलिए अन्न को आदर देना चाहिए। आदर देना बड़प्पन है, समझाएं। बड़ों को आदर देने से हमारा मन आदर भाव से भर जाता है, इसलिए आदर देना बड़प्पन है। धरती को माँ क्यों कहते हैं? धरती पर ही सबका जीवन है, धरती ही सबको धारण करती है, इसलिए हम धरती को माँ कहते हैं। यहाँ पर चैप्टर 2 पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ाई करने के लिए अगले वीडियो में चलते हैं।